दादी जी, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना। तुमने ऐसे क्या किया है जो अभी भूख लगी है? हाँ जाओ, पहले जाकर वो कपड़े साफ करके आओ। भूख की वजह से अपने दादी के पास आने वाली इस लड़की का नाम प्रिया है। उसे वहाँ से भगाने वाली उस औरत का नाम जानकी है। जानकी की दो पोतियाँ हैं, एक दीप्ति और एक प्रिया। इनमें प्रिया बड़ी पोती है और उनकी माँ का नाम करुणा है। दोनों भी बेटियों को जन्म देने की वजह से करुणा और उन बेटियों का जन्म होते ही उसके बेटे की मौत होने की वजह से उन दोनों बच्चियाँ जानकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए वो कभी भी ना तो उनसे प्यार से बात करती थी और ना ही एक पल प्यार से उनके साथ गुजरती थी। प्रिया जवाब में एक शब्द भी कहे बिना बाहर जाकर कपड़े धोने लग जाती हैं। मुझे परेशान करने के लिए ही पैदा हुई है ये लोग। ये एक महारानी तो उठ गई है, पता नहीं ये दूसरे महारानी क्या कर रही होगी। ओ महारानी, उठने का इरादा है भी या नहीं? जानकी की आवाज सुनकर दीप्ति एक उछलकर उठ जाती है। दादी जी का पुकारा शुरू हो गया है, अब मैं चाहूँ तो भी नींद नहीं आएगी, उठना ही पड़ेगा। ये कहते हुए जल्दी से कमरे के बाहर निकल कर आती है दीप्ति। वो घर में सबसे छोटी होने के बावजूद बहुत ही होशियार है और फुर्तीली भी है। उठ गई हो महारानी, या आपके लिए फूलों के रास्ता सजा दूं? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो दादी जी? ऐसे करने से बीपी शुगर बढ़ जाते हैं, पता है ना आपको? तुम वक्त पर अपने काम करो तो मैं क्यों चिल्लाऊंगी महारानी? एक देर से उठकर ऊपर मुझे ही खेती हो। मेरी माँ और दीदी मुझे रोक रहे हैं, इसीलिए चुप हूँ, वरना क्या बोलो। उनका झगड़ा बढ़ते जा रहा था, वो देखकर प्रिया जल्दी से अंदर आकर दीप्ति को रोक लेती है। दीप्ति, बड़े लोगों से ऐसे बात नहीं करते हैं, अंदर जाओ और जाकर घर साफ करो। असल में तुम्हें नहीं, तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ को कहना चाहिए। वो एक सुबह गई थी घर के बाहर, अभी तक नहीं आई। ये कहते हुए जानकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और प्रिया कपड़े धोने के लिए चली जाती है। दीप्ति घर साफ करने लगती है। ऐसे हमेशा इन दोनों से कोई ना कोई काम करवाती ही रहती थी जानकी। इतने में करुणा बाहर से लौटकर आती है, अपने बच्चों को काम करते हुए देखकर। स्कूल के लिए तैयार हुए बिना ये सब काम क्यों कर रहे हो बेटा? मैं आने के बाद करती हूँ ना, तुम जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। इतने में जानकी अंदर से बाहर निकलकर, मैं ही कहा था उनसे काम करने के लिए, और मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो पढ़ लिख कर कमा कर हमें पैसे ला कर देंगे? शादी की उम्र होते ही अपने पति के घर चली जाएंगे, और ऊपर से इन्हें दाहेज के पैसों का बोझ है अपने सर पर। अगर तुम बेटों को तो पैदा करती तो फायदा होता। बच्चों में लड़के लड़कियों का फर्क मत करो सासू माँ, दोनों ही सबके समान होते हैं। पढ़ाई उनके पैरों पर वो खड़े हो सके इसीलिए पढ़ा रही हूँ, पढ़कर वो मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उन्हें स्कूल के लिए तैयार करके भेज देती है। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाकर उन्हें किसी काबिल बनाना ही करुणा का मकसद है। इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करती है। इसीलिए वो सुबह होते ही
घर के बाहर निकलकर ये काम वो काम करके काफी मेहनत करती रहती थी। ऐसे कुछ साल गुजर जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। प्रिया मेहनत करके पढ़कर बड़ी डॉक्टर बनती है और दीप्ति एक पुलिस अफसर बनती है। क्यों पढ़ा रही हो? वो क्या करेंगी? यही सवाल करती थी ना आप। आज देखिए मेरी दोनों बेटियाँ कितने बड़े स्थान पर हैं। कितने बड़े डॉक्टर होने पर भी क्या फायदा है? कितने बड़े पुलिस अफसर होने पर भी क्या फायदा है? अपने कमाई हुए पैसों बेटों की तरह लाकर मेरे घर में थोड़ी रहेंगी। उन बातों से दुखी होकर करुणा चुप हो जाती है। ऐसे कुछ दिनों बाद जानकी बैंक से पैसे लेकर वापस आते वक्त कुछ चोर उसे घायल करके उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जानकी को काफी गहरे चोटें लगने की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। वहाँ आसपास खड़े लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। उसी हॉस्पिटल में प्रिया डॉक्टर है। दादी, ये किसने किया है आपके साथ? काफी सारा खून बह रहा है आपका तो। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाकर इलाज शुरू कर देती है। उसके बाद अपनी माँ और बहन को कॉल करके सारी बात बता देती है। दोनों वहाँ पर भाग कर आते हैं। खतरा टल गया ये बात जानने के बाद चैन की सांस लेती है दोनों। ऐसे दो दिन बाद जानकी को होश आता है। तब वहाँ पर प्रिया उसका अच्छे से इलाज कर रही थी और करुणा उसके लिए फलों के रस निकल दे रही थी। वक्त पर दवाइयाँ देकर उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। और दीप्ति, आपको घायल करके आपके पैसे छीनने वाले चोरों को मैंने पकड़ लिया है दादी जी, और ये रहे आपके पैसे, ले लीजिए। मैं तुम लोगों के साथ बचपन से ही बहुत बुरा बर्ताव किया था बेटा, फिर भी तुम सब मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं तुमसे पूछती थी ना करुणा कि तुम्हारे बेटियों की पढ़ाई किसी काम आएगी कहकर, आज उसी पढ़ाई की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और मेरी मेहनत के पैसे मेरे पास है। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए जोरों से रोने लगती है। तब से जानकी, चुप हो जाइए सासू माँ, मत रोइए। पढ़ाई सिर्फ अपने काम ही आनी चाहिए, ये जरूरी नहीं। पढ़ाई से दूसरे कई लोगों की मदद की जा सकती है और पढ़ने वाले किसी के सहारे के बिना खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जो भी हो, आपको ये बात समझ में आ गई, ये हमारे लिए काफी है। तब से जानकी बहू और पोतियों के साथ बहुत अच्छे से और प्यार से रहने लगती है।